नमस्कार, वेलकम टू आरा क्लासेस। आरा क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 3 अगस्त, 3 अगस्त से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। अभी 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बना था, इसीलिए इस दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। इसका विषय, इंडिया इज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएससी की अध्यक्षता किसे मिली है? तो यूएनएससी की अध्यक्षता भारत को मिली है। यूएनएससी का फुल फॉर्म जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा की राज्य सरकार ने गौरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मन कौर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मन कौर एक धाविका थी, इनको चंडीगढ़ की मिरिकल मोम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर के कितने करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया गया है? तो अभी लगभग 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ऑर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया है? तो अभी ऑर्किड संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। ऑर्किड रंग बिरंगे फूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी अमेरिका ने राशद हुसैन को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 15 कलाकृतियां वापस करने का निर्णय लिया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 15 कलाकृतियां वापस करने का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले पत्रकारों को के परिवारों को 10 लाख रुपए की मदद की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की है? तो अभी CSIR ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की है। अब CSIR सेंट्रल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यह मशीन किसी इमेज को पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर फिर उसे स्पीच में कन्वर्ट करेगी, ताकि दृष्टिबाधित लोग सुनकर इसे समझ सकें। थैंक यू गाइस, आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।